बोलो सियावर रामचंद्र की जय। Hey everyone, welcome back to my new vlog. तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज के मेरे vlog में ये चीजें होने वाली है कि offline market में और online market में क्या difference है। मतलब बहुत सारी चीजें तो हम लोग जानते हैं कपड़ा के regarding, but आज हम देखेंगे कि बर्तन स्टैंड हम लोगों को जरूरत था घर में एक बर्तन स्टैंड, और मैं जो दूसरे वाले घर में ली हूँ वो ऑफलाइन ली हूँ, ऑफलाइन परचेज की हूँ। क्वालिटी वाइज नो डाउट बहुत ही अच्छा है, बहुत टाइम से चल रहा है। अभी हम लोग ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन और ये पूरा पार्ट एकदम से अलग होकर आया, ऐसे ऐसे सारा पार्ट ऐसे अलग अलग अलग। ये देखिए नीलाब इतनी मेहनत करके इसे असेंबल करने पे लगा हुआ है ना, तो थोड़ी सी तो मुश्किल हो रही है। और सारे पार्ट आप देखो ऐसे आए हैं ऐसे, और क्वालिटी वाइज मैं वीडियो के लास्ट में ही बता पाऊंगी कि ये कैसा है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है, बट अच्छा है कि नहीं वो चीज़ पूरा असेंबल होने के बाद बताती हूँ। अनिला बहुत मेहनत कर रहा है इसको सेट करने में। बाप रे बाप, इससे ज्यादा मेहनत तो जिंदगी में। इसकी तारीफ करना भी बेकार ही है, एकदम मेहनत नहीं कर रहा है ये लड़का, कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं। दैट्स ट्रू बोल रहा है ना, दैट्स ट्रू। नील मिश्रा कुछ नहीं करते हैं, आज बस एक काम मिला है इसे असेंबल करने का, तो थोड़ी सी मेहनत दिखाया जा रहा है। असेंबल तो इसे बोल रहे हैं जैसे पीसी असेंबल कर रहे हैं क्या, ये इसे भी असेंबल ही कर रहे हैं। जरूरी नहीं कैसे टुकड़ा जोड़ रहा हूं मैं, टुकड़ा जोड़ा ना बोलता, टुकड़ा टुकड़ा। अभी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मंगवाए हैं हम लोग, मिक्सी जूसर साथ वाला, उसके बाद बर्तन स्टैंड, उसके बाद एक कूलर मंगवाई थी जो कि कैंसिल हो गया गलती से। तो पता है मतलब कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले हम लोग कूलर का प्लान बनाए हुए थे कि कूलर लेते इस बार, अगले बार एसी ले लेंगे, लेकिन कूलर जब कैंसिल, वो कल आने वाला था कूलर और आज गलती से कैंसिल हो गया एनी रीजन हम लोगों से ही। तो अब फिर हम लोग सोचे अब दोबारा ऑर्डर नहीं करने वाले क्योंकि बहुत वेट कराते हैं ऑब्वियसली, तो अब एसी लेने वाले हैं वो भी मतलब ऑफलाइन जाकर। ये ओ बल्ले बल्ले, और वॉशिंग मशीन का कवर मंगवाई हूँ, और क्या क्या आया नीला, बहुत कुछ आया पूरा मेरा, कुछ कुछ सुंदर सुंदर ड्रेस आया है जो कि मैं दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी दिखाने का। एक बार लाओ तो ये पेपर, इसमें ना उल्टा दिख रहा है, ये उल्टा ही दिखेगा, तो ये इसमें ना नंबर वाइज दिया हुआ, आप नंबर वाइज देख देख के सैंपल कर सकते। मन तन दिल सब लगा कर करता है ये सारा काम। एक मिनट इसको ना यहाँ थोड़ा और नीचे करो। हाँ अब आ गया, लग पाता पता है। अच्छा वो पेचकस नहीं होता, तो पेचकस नहीं होता तो लग ही नहीं पाता। आप तो बोल रहे थे कि पेचकस है ही नहीं, घर में तो नहीं, मैं सब कुछ रखती हूँ समझे, घर में ये सारी चीजें नहीं हूँ। और आपको गाइस दिख रहा है नीलाब के हाथ के पीछे कितनी सारी लिपस्टिक और बॉक्सेस रखे हैं, वो सब मेरे हैं, और कितने सारे परफ्यूम रखे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ हमारे लिए वो ठीक है। जानते हैं गाइस इसमें दिक्कत क्या, गाइस क्या क्या गाइस, मतलब 20 हिट नहीं होता है, बोल दो नीलाब मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो थक गई भाई साहब। लगा दिया एक, अभी को जल्दी जल्दी कसिंग है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पता है यहाँ से भी टेढ़ा हो लग रहा है ये, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला बीच वाला लगेगा तो ठीक, नहीं तो रिटर्न कर देंगे। सीरियसली नहीं, अब मैं रिव्यू दूंगी, मैं रिव्यू देने वाली हूँ कि प्लीज ऑनलाइन ये सारी चीजें बिल्कुल भी मत मंगवाना। एक तो माथापाची बहुत ज्यादा होता है, सबको असेंबल करना, एक एक पार्ट अलग अलग आएगा तो आप देख देख के असेंबल करते रहो। और दूसरी चीज कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, पैसे बहुत ज्यादा लग गए 1800 प्लस, उतना में ऑफलाइन बहुत ही अच्छा आ जाता। और आप देखो कैसा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे, आपको शायद वीडियो में मैं दिखाऊंगी अच्छे से, टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा, तो हो सकता है हम लोग रिटर्न कर देंगे। नहीं आप पहले असेंबल कर दो उसके बाद देखते हैं, आज हम लोग ऑफलाइन लेने चलेंगे, तो हम लोग जा रहे हैं ऑफलाइन लेने, ये रिटर्निंग में जाएगा क्योंकि बहुत टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है।
बोलो ना। इसमें दिक्कत ये है कि ये टेढ़ा हो गया, इसका एक टाइट करते करते ज्यादा टाइट नहीं किया। हाँ, मतलब कि क्वालिटी इतना ये पूरा पिच गया है, मतलब दब गया, और ये टेढ़ा हो गया। इसको सीधे बैठना था लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा बैठ, टेढ़ा हुआ नहीं, मतलब टेढ़ा है ही, वो क्वालिटी इतना चीप है कि टेढ़ा हो जा रहा है। तो उससे अच्छा है आप ऑफलाइन जाओ, शॉप पे जाओ, आराम से, थोड़ा पैसा ज्यादा भी लगता है लेकिन अच्छी चीजें खरीद के लाओ। इतना मेहनत करने के बाद नीलाभ का और मेरा दोनों का मेहनत हुआ बर्बाद, लेकिन हाँ आप लोगों का प्रॉफिट ये हुआ कि आप लोगों को ये चीजें समझ आएगी कि ऑनलाइन ये सारी चीजें मत परचेज करना, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। फिर अभी ये पूरा असेंबल करने के बाद खुल रहा है एक एक पार्ट, उसके बाद हम लोग इसे रिटर्न करेंगे। चल रहा है दूसरे एपिसोड में आएगा। तो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई ना, कटने दो ना, कौन सा मेरा मुंह बहुत सुंदर हो रहा है। ये तो सच सच्चाई है, ये तो मेरी गलती है कि मैं देखा नहीं हूँ। नहीं, मैं ना रेगुलर सुंदर नहीं लगती हूँ, मैं ओकेजनली सुंदर, क्या बोलने लग जाते, ओकेजनली ओकेजनली कुछ भी मतलब। तो ये फाइनली खुल गया है, मैं अभी खुलना बाकी है। और ये हो गए नीलम, आप टेढ़ा करके दिखाओ ना इसे, वो पूरा प्रॉपर टेढ़ा दिख रहा है, ऐसे ऐसे नहीं नहीं, अरे टेढ़ा कर रहा नहीं है, ऐसे दिखाना, ऐसे गाइस आपको दिख रहा है, ये एकदम साफ दिख रहा है कि यहाँ से पूरा हाँ टेढ़ा हो गया। तो गाइस फिर आज नहीं, वो रील पे ऐसे ना बोलते हैं। तो गाइस अगर आपको भारत माता से सबसे ज्यादा प्यार है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके गाइस चैनल को, ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियो तो और भी देख सकें। ये सुनकर ना मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी चले जाएंगे, हम समझ गए, हम समझ गए। बोलता है ना कि आपको आपके माँ जी का समय आ गए ना, अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब करिएगा। शक्ति का मुंह ऐसे था, अपना मुंह का वीडियो बना रहे थे, अपने मुंह का वीडियो बना रहे थे भाई। ये वीडियो बनाते मतलब ब्लॉग बनाते 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 ऐसे करती है, ऐसे ऐसे मुंह देखा, एक आंख बंद एक आंख पूरा खुला हुआ था जी। फिर से वैसा ही हो रहा है। जान लेगा तो मेरे से भाई, हमको भूख लग गई है दिसंबर के। अरे किसी महक आ रहा है ना इसलिए। हाँ वो ना आ गया, एक तो हंसते हंसते, दूसरी चीज पता है आसपास में ना कोई खाना बन रहा है, उसका स्मेल इतना गंदा आ रहा है ना, उसके कारण से हो रहा था। बगले वाला फ्लैग वाला बना सुन रहा होगा तो मन में खूब गाली जाएगा, बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है, बहुत ही गंदा, इसलिए मुझे मतलब वैसा वाला तेल में छौंका लगा। नीलाभ डिसेंबल करने में भी उतना ही मेहनत कर रहा है नीलाभ। नील 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 नील। तो गाइस आप हमारा ब्लॉग देखते आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसे नहीं कमेंट कीजिएगा। ये क्या चलता है मेरा नीला, देखो ना ये क्या चलता?